आज हम बात करेंगे कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया और हमें क्या पाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है लाइफ में दिनचर्या, जो बहुत जरूरी है। दिनचर्या कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठें, अपना बेडशीट ठीक करें, वॉक पे जाएं, रनिंग करें। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आप अपनी लाइफ को फंक्शनल बना पाएंगे कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठा था, आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। आप मॉर्निंग में 4:30 5 o'clock पर उठते हैं, 1 hour का आप वर्कआउट करते हैं, आप अपने घर जाते हैं, आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं। आपका मॉर्निंग जो कि आप सो के बिता सकते थे, आपने उसे इन्वेस्ट किया। और आप में से शायद हर कोई ये जानता है कि इन्वेस्ट करने का मतलब है कि खुद को बेहतर करना। खुद को बेहतर करने का मतलब है आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें पास ऑन करना, ताकि वो उसे इनहेरिट करें और जिस वे में हमने काम किया है वो लोग भी काम करें। इसका मतलब है वो लोग भी डेवलप हों जैसे हम खुद को डेवलप कर रहे हैं, वो लोग भी इवॉल्व हों जैसे हमारे एंसेस्टर्स हुए, उनसे इवॉल्व हो के हम आए, हमसे इवॉल्व हो के आने वाली जनरेशन आएगी। इट्स बेटर टू शार्पन योर सॉ बिफोर यू कट द ट्री। किसी चीज़ को करने से पहले अपनी स्किल सेट पर ध्यान दो। स्किल सेट कुछ भी हो सकता है। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं तो आपको ये लर्न करना होता है कि हाउ टू ट्रेन द कैंडिडेट, हाउ टू टीच समवन। अगर आप आईटी में हैं तो यू नीड टू गो थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस। अगर आप ग्रोसरी स्टोर संभालते हैं या आप कुरियर बॉय हैं या पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, आपने कभी सोचा है कि आपके 2 मिनट अगर आप लेट हो जाएं, पिज़्ज़ा आधे घंटे में अगर नहीं पहुंचा तो फ्री मिलता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप उस लास्ट मोमेंट पे जहाँ पे आप मिस कर गए, अगर आपने अपना 0.01% एक्स्ट्रा एफर्ट दिया होता तो उसका रिजल्ट क्या होता? मैं बताता हूँ उसका रिजल्ट क्या होता। अगर आप 1:365 एक को 365 बार गुना करते हैं तो उसका वैल्यू सिर्फ एक आता है, लेकिन अगर आप 1.01 को 365 यानी 365 बार गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 38 आता है। आप नोटिस करना कि आप 1 हमेशा दे रहे थे लेकिन आपने इसके साथ 0.01% एक्स्ट्रा आपने अपना इन्वेस्ट किया, जिसका ये आउटकम आया कि आपको 38 टाइम्स बेटर रिजल्ट मिला। रिजल्ट हमेशा अपने स्किल सेट को शार्प करने से आता है। अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपको अपने रेज्यूमे पे सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्रेजेंटेशन है। कोई भी आपसे मिलने से पहले आपके रेज्यूमे को देखता है कि आपने क्या अपने रेज्यूमे पे काम किया है। अगर आपका रेज्यूमे सही नहीं है तो पहली चीज़ उसके दिमाग में आती है कि इसने अपने खुद को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, ये हमारे काम को कैसे करेगा। आसान नहीं है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करो और उन पे काम करो। बिलीव मी, अगर आप 1 महीने ऐसा करते हो, मॉर्निंग में आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, 4:30-5 का अलार्म लगाते हो, आप उठ के अपना बेडशीट ठीक करते हो, फ्रेश हो के आप वॉक पे जाते हो, वॉक से आते हो, आप एक हेल्दी डाइट लेते हो, अपना मॉर्निंग शेड्यूल आपने सही किया, आपको अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि यार मॉर्निंग 8 बजे तक तो मैं उठ गया था, मैंने क्या प्रोडक्टिव किया। प्रोडक्टिव करने का मतलब ये ही नहीं कि मैंने क्या कमाया। आज की डेट में प्रोडक्टिव का मतलब है कि पैसे आपने कितने कमाए। नहीं यार, पैसे आपको प्रोडक्टिविटी से कनेक्ट नहीं, पैसे को प्रोडक्टिविटी से कनेक्ट नहीं कर सकते। इट्स अबाउट योर लाइफ। पैसा आप कमा लोगे लेकिन जो ये इंजन चल रहा है जिस दिन बंद हो गया उस दिन कोई पैसा काम नहीं आता। अपनी लाइफस्टाइल को सही करना सबसे बड़ा काम है आपका। अगर शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग अपने लाइफस्टाइल को सही करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, रनिंग करें, जॉगिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और लोगों को इनकरेज करें, अपने बच्चों को इनकरेज करें ताकि वो अर्ली मॉर्निंग उठ के खेलें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठें, जॉगिंग करें, हेल्दी डाइट लें, खुश रहें। Alright, then I'll see you on next weekend. तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, enjoy कीजिए और safe रहिए, बहुत ज़रूरी है। Please like, share and subscribe. Take care, bye bye. See you on next weekend.